नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आज एक बार फिर दोबारा मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ अपने टाटा नैनो के अंदर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली बार जब वीडियो में मुलाकात करेंगे तो मैं आपको टाटा नैनो के गियर शिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको टाटा नैनो के गियर शिफ्टिंग के बारे में बताता हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिंटू और आप सभी इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो देखिए, गियर शिफ्टिंग जो होती है इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि गियर शिफ्टिंग से ही आपका माइलेज भी बढ़ता है, आपके गाड़ी के इंजन पर भी इफेक्ट पड़ता है गियर शिफ्टिंग का। तो गियर शिफ्टिंग के बारे में काफ़ी लोग तो जानते हैं भाई, कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है इसके अंदर। जैसे देखिए, हमारी ये नैनो है, नैनो हमारी चार गियर की गाड़ी, कोई पाँचवा छठा गियर इसके अंदर नहीं है। आपको मालूम है जब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तो फर्स्ट गियर जब लगाने के बाद हमारी गाड़ी की स्पीड 0 से 10 तक जानी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जब सेकंड गियर आप लगा लेते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड 10 से 20 के अराउंड होनी चाहिए। थर्ड गियर लगाते हैं तो 20 से 30 के बीच आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए। फोर्थ गियर है 30 से 40 होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये सारे पैमाने हैं गियर शिफ्टिंग के दूसरी सभी गाड़ियों के लिए। लेकिन ये पैमाना जो है, ये पहाड़ा जो है नैनो में फिट नहीं बैठता भैया। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये नैनो टाटा वाले खुद ये बात कहते हैं। अभी आप देख लीजिए, इन्होंने जो गियर शिफ्टिंग रिकमेंडेड की हुई है, आप एक बार ध्यान से देखिए इसको ज़रा। ये देखिए आप इनका गियर पेट्रोल स्पीड किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट गियर में इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि 0 से 10 तक आपकी स्पीड होनी चाहिए। सेकंड गियर में इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि 20 से 30 होनी चाहिए। थर्ड गियर में इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि 30 से 50, और फोर्थ गियर जो है आपका 50 की स्पीड क्रॉस करने के बाद लगना चाहिए भाई, इन्होंने ये बोला हुआ है। तो एक बार आप ध्यान से इसे देख लीजिए, किसी की गाड़ी में अगर ये नहीं लगा हुआ हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट में डाल लीजिए, इसको सेव कर लीजिए इस चीज़ को आप ध्यान से, क्योंकि जो इन्होंने रिकमेंड किया अगर हुआ है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी चलाएंगे तो आपको गाड़ी का माइलेज भी अच्छा मिलेगा और प्लस आपका इंजन की मेंटेनेंस बढ़ेगी भाई, खड़की की पड़के की नहीं गाड़ी आपकी है। तो देखिए, ये अब हमें इसमें नैनो को चलाते हुए क्या करना है कि जब आपने ये चलानी है, फर्स्ट गियर आप लगाया आपने 0 से 10 की स्पीड आपको चाहिए, सेकंड गियर लगाया है आपने तो 15 से 20 की स्पीड क्रॉस होने के बाद आपने सेकंड गियर लगाना है इसमें आपने। तो यानी कि अगर आपकी गाड़ी सिटी में अराउंड 30 से नीचे चल रही है ना, तो भैया सेकंड गियर में ही गाड़ी आपकी चलेगी अच्छी तरह से। अगर आप उसको थर्ड गियर पर लगा दोगे 30 से कम में, तो आपकी गाड़ी चलेगी तो है लेकिन इंजन पर काफ़ी जोर पड़ेगा भैया। तो आप इस बात को समझिए, हो सकता है कि सिटी में जब आप चलाए 30 से नीचे की स्पीड में और सेकंड गियर में, हो सकता है एवरेज थोड़ा आपको कम मिले, माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इससे आपकी इंजन की लाइफ तो बढ़ेगी ना। तो इसी प्रकार से ही जब आपने इसमें फोर्थ गियर लगाना है तो आपकी स्पीड 40 प्लस तो होनी चाहिए। क्या इन्होंने तो 50 से 70 के बीच बोला हुआ है, लेकिन आपकी 45-40 के क्रॉस भी है तो आप फोर्थ गियर लगा सकते हो, जैसा कि मैं करता हूँ। तो सर, ये आज की इस वीडियो में आपसे मैंने नैनो के बारे में ये जो गियर शिफ्टिंग है कंपनी द्वारा जो बताई गई है उसी को ही शेयर किया है, और जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी गाड़ी को चलाता हूँ, मुझे अच्छा माइलेज मिलता है, कोई खड़कती पड़कती नहीं है, सर्विस बहुत ही कम लगती है, जब भी सर्विस होता है बहुत ही छुटर पुटर काम होता ही नहीं है बल्कि यार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो ठीक है फिर, बाय, ओके, टिल देन टेक केयर, जय महाकाल।